हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियरिंग फॉर यू। आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे डिफरेंट करेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ द मोटर जो आपने देख चुके हैं। तो उसमें से स्टार्ट करने से पहले एक मैं टर्म आपकी डिफाइन कर रहा हूँ भाई, स्पीड रेगुलेशन। जो स्पीड रेगुलेशन होती है दैट इज सिमिलर टू वोल्टेज रेगुलेशन। ये क्या होती है आपकी नो लोड स्पीड, नो लोड स्पीड माइनस फुल लोड स्पीड डिवाइड बाय क्या हो जाता है भाई, फुल लोड स्पीड। समझ रहे पॉइंट? तो इस केस में मेरा जो एन नॉट लिखा होगा वो नो लोड स्पीड को डिफाइन करेगा, एन मेरा फुल लोड को डिफाइन करेगा। समझ रहे पॉइंट? कई बार क्वेश्चन ये पूछ लेते हैं कि आपकी कौन सी मोटर की स्पीड रेगुलेशन बढ़िया होती है, ठीक है। वो आगे जब हम करेक्टरिस्टिक्स ड्रॉ करेंगे उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बताता जाऊंगा कि स्पीड रेगुलेशन मेरा किसका अच्छा होता है। समझ रहे पॉइंट? तो स्टार्ट करते हैं अभी आपका करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द डीसी मोटर। तो सबसे पहली मेरी जो टाइप है दैट इज डीसी शंट मोटर। लेकिन उससे पहले मैं अगर आपको डिफाइन कर दूं मुझे जो मोटर है इसके अंदर कौन कौन सी हम करेक्टरिस्टिक्स देखेंगे, तो पहला जो मेरा करेक्टरिस्टिक्स होता है दैट इज स्पीड वर्सेस आर्मेचर करंट। दूसरा जो मेरा करेक्टरिस्टिक्स होता है दैट इज टॉर्क वर्सेस आर्मेचर करंट। तीसरा जो मेरा करेक्टरिस्टिक्स होता है दैट इज टॉर्क वर्सेस स्पीड। समझ रहे पॉइंट? ये सारी हम करेक्टरिस्टिक्स भाई देखेंगे सभी मोटर के केस में, हम तीनों टाइप की करेक्टरिस्टिक्स ड्रॉ करेंगे। क्लियर है जी पॉइंट? तो पहला लिखिए जी डीसी शंट मोटर। तो सबसे पहला काम आपका क्या होगा, डीसी शंट में आपकी डायग्राम आएगी, ठीक है। डीसी शंट मोटर आपको भाई पता होना चाहिए इसका सर्किट कैसा होता है। क्वेश्चन को भी मैंने आपको बताया था कि क्वेश्चन को जब भी सॉल्व करना है विद द हेल्प ऑफ सर्किट डायग्राम, ठीक है। तो शंट आपने बनाना है तो सबसे पहले मैं आर्मेचर सर्किट को ड्रॉ किया, ये मैंने ब्रशेस दिखा दिए यहाँ पे, और यहाँ पे मेरा शंट फील्ड यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा। और इसका मतलब यहाँ पे क्या भाई, मेरे पास यहाँ पे मैं सप्लाई दे दूंगा भाई, कौन सा सप्लाई, प्लस माइनस बीटी। यहाँ से करंट IL जाएगा, किधर जाएगा भाई, आर्मेचर में जाएगा, और कुछ करंट किस में जाएगा, आपके शंट फील्ड में जाएगा। मान लीजिए इसकी रेजिस्टेंस कितनी है, RSH। समझ पा रहे हैं इतनी बात? और यहाँ पे मान लीजिए इसके अंदर जो वोल्टेज इंड्यूस होगा वो EA होगा, यहाँ पे रेजिस्टेंस कितना है, RA रेजिस्टेंस है। समझ रहे पॉइंट? तो अब मुझे एक चीज बताइए, पहले तो इक्वेशन लिखिए भाई, इक्वेशन क्या है, दैट इज BT इज इक्वल टू EA माइनस, हाँ जी सॉरी, ये किसके कहलाएगा, बी टी माइनस आई ए आर ए। आपको पता है मोटर के केस में ऐसा होता है। और आई एस एच की वैल्यू कितनी होती है भाई बताइए जी, बी डिवाइड बाई, ये जो वोल्टेज आपने लगा रखा है, बी डिवाइड बाई आर एस एच। क्लियर? और ये मेरा फील्ड का फ्लक्स होगा, फील्ड का फ्लक्स कौन बताएगा भाई, मुझे फील्ड बाइंडिंग बताएगी, ये मेरा फील्ड फ्लक्स हो जाएगा। और ये मेरे पास क्या है, फील्ड बाइंडिंग, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा, फील्ड का ही मेरा फ्लक्स होगा, ठीक है। तो फील्ड का जो फ्लक्स होगा वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा भाई, शंट करंट के ऊपर, आपको पता है, क्योंकि इसके अंदर शंट करंट जा रहा है। क्लियर? ऑलरेडी हम ये चीज़ बता चुके हैं, ठीक है। और आपको ये भी बताया था जो मेरा बी टी और आर एस एच है, ये क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो फ्लक्स मेरा क्या रहेगा, हाँ जी इस केस में जो मेरा फ्लक्स होगा दैट इज कॉन्स्टेंट। क्लियर है जी पॉइंट? तो पहली मैं करेक्टरिस्टिक्स ड्रॉ करने वाला हूँ दैट इज स्पीड वर्सेज आर्मेचर करंट। तो स्पीड वर्सेज भाई आर्मेचर करंट मुझे देखना है, इनमें क्या रिलेशन होगा। क्लियर है जी? तो सबसे पहले हम E की वैल्यू हम पुट कर देंगे भाई, क्या होती है E की वैल्यू, के एन फाई इन टू एन दैट इज इक्वल टू बी टी माइनस आई ए आर ए। तो स्पीड क्या आ गया भाई, बी टी माइनस आई ए आर ए डिवाइड बाय कितना आ जाएगा भाई, के एन इन टू फाई, और फाई और के एन के आपके कॉन्स्टेंट है। क्लियर? अगर मैं एट नो लोड की बात करूं, एट नो लोड, हाँ जी क्या होगा, एट नो लोड आपका आई ए करंट क्या हो जाएगा, जब कोई भी लोड नहीं कनेक्ट होगा आई ए करंट मेरा जीरो हो जाएगा, मतलब मेरी स्पीड क्या कहलाएगी, नो लोड स्पीड। एन एल को क्या बोलेंगे भाई, एन नो लोड, जिसको मैं एन नोड के साथ डिफाइन करूंगा है, ये मेरा जीरो हो जाएगा। आंसर कितना बचेगा, बी टी डिवाइड बाई के एन इन टू फाइव। समझ रहे भी पॉइंट? इसका मतलब बी टी कॉन्स्टेंट है, के एन कॉन्स्टेंट है, और फाइव भी मेरा क्या है, कॉन्स्टेंट। इसका मतलब नो लोड स्पीड की जो करेक्टरिस्टिक्स मैं बात करूँ कॉन्स्टेंट रहेगी, करंट के साथ मेरा क्या रहेगा, कांस्टेंट। इतना भाई मेरे पास क्या होगा, नो लोड स्पीड होगी। लेकिन जैसे ही मैं लोड कनेक्ट करूंगा, ऑन लोड क्या हो जाएगा भाई, ऑन लोड क्या हो जाएगा, मेरा आईए करंट फ्लो करना स्टार्ट कर देगा। जैसे ही आईए करंट फ्लो करना स्टार्ट कर देगा, इक्वेशन से देखो भाई क्या मेरे पास करेक्टरिस्टिक्स बनने वाला है, जैसे ही मैं लोड करंट को इंक्रीज करूंगा, अब मैं करंट को इंक्रीज करना स्टार्ट किया, जैसे ये वाला पॉइंट था, इस वाले पॉइंट पे स्पीड कितना भाई,
जिसको मैंने नो लोड स्पीड का नाम दे दिया। एंड नॉट, जैसे ही करंट इंक्रीज करेगा स्पीड मेरी क्या करेगी राजे, कम हो जाएगी। इसका मतलब ये हुआ भाई, पहले से स्पीड मेरा क्या हो जाएगा, थोड़ा सा डाउन आ जाएगा, ज्यादा चेंज नहीं इसमें आता, थोड़ा सा मेरा स्पीड डाउन आ जाएगा। समझ रहे पॉइंट? तो मैंने ज्यादा दिखा दिया भाई, थोड़ा सा डाउन दिखा दो, क्योंकि इसके अंदर ज्यादा चेंजेस नहीं होते। ठीक है, ये मेरी स्पीड भाई क्या हो जाएगी, पहले से कम हो जाएगी जैसे जैसे मैं करंट की वैल्यू को इंक्रीज करता जाऊंगा। समझ रहे पॉइंट? और मुझे एक ये भी पता है, ड्यू टू आर्मेचर एक्शन क्या होता है भाई, ड्यू टू आर्मेचर एक्शन फ्लक्स मेरी जो होती है वो स्लाइटली स्लाइटली डिक्रीज, मतलब थोड़ा सा अमाउंट फ्लक्स का क्या हो जाता है, कम हो जाता है। उसकी वजह से क्या होगा, फ्लक्स अगर हल्का सा मेरा कम हो गया, उसकी वजह से स्पीड मेरी हल्की सी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। इसका मतलब ड्यू टू आर्मेचर एक्शन मेरी जो फाइनल स्पीड आएगी यहां पे आ जाएगी। क्लियर? ये मेरे पास हो जाएगा भाई एन एफ एल, फुल लोड स्पीड। क्लियर पॉइंट? अगर मैं इसकी स्पीड रेगुलेशन निकालूं तो मेरे पास जो डिफरेंस है दोनों स्पीड का वो क्या, अप्रोक्सीमेट जीरो ही आएगा। मतलब इसकी जो स्पीड रहेगी वो क्या रहेगी, स्पीड ऑलमोस्ट कॉन्स्टेंट, ऑलमोस्ट कॉन्स्टेंट। इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो स्पीड रेगुलेशन है, स्पीड रेगुलेशन इज हाई, ठीक है, हाई नहीं बोलेंगे, लो बोलेंगे। ठीक है, जितनी स्पीड रेगुलेशन लो है, स्पीड रेगुलेशन का मतलब ये है कि आपकी लोड कनेक्ट करने से कितना अमाउंट स्पीड का कम हो रहा है। क्लियर? इसका मतलब इसमें जो स्पीड का जो अमाउंट है वो बहुत ही कम हो रहा है। इसका मतलब बेटर स्पीड रेगुलेशन है। इसका मतलब क्या है जी, बेटर, इसको छोड़ दीजिए, ऐसे लिखिए, बेटर स्पीड रेगुलेशन, बेटर स्पीड रेगुलेशन। मतलब ये हुआ, वो वाली मोटर जिसमें नो लोड और फुल लोड में अगर मैं लगाऊं, उससे अगर स्पीड में जो डिक्रीमेंट है वो कम हो रहा है, उतनी ही मोटर मेरे लिए क्या होगी, बढ़िया होगी, उतनी ही उसकी स्पीड रेगुलेशन क्या होगी, बेटर होगी। क्लियर है जी पॉइंट? तो पहला कैरेक्टरिस्टिक्स हमने देख लिया है बिटवीन स्पीड वर्सेस करंट। क्लियर है जी पॉइंट? तो नेक्स्ट देखिए अभी, अगली कैरेक्टरिस्टिक्स है टॉर्क वर्सेस करंट। तो कुछ नहीं करना है इसके अंदर, बस आपने क्या करना है, जिसका ही आपने ग्राफ ड्रॉ करना है उसके टर्म में पूरी इक्वेशन लिख लो, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगर मैं देखूं नेक्स्ट मेरे पास है भाई टॉर्क वर्सेस आई ए। क्लियर? तो टॉर्क और करंट में रिलेशन निकाल लो, आपका आंसर आ जाएगा भाई। टॉर्क इसके बराबर होता है, आपको बताया था, के ए फाई इंटू आई ए, जे कॉन्स्टेंट है, जे भी कॉन्स्टेंट है, टॉर्क मेरा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा भाई, आई ए हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ आपका टॉर्क और करंट का जो ग्राफ बनेगा कैसा बनेगा भाई, लीनियर बनेगा। लेकिन ड्यू टू आर्मेचर एक्शन क्या होगा बताइए जी, फ्लक्स मेरी थोड़ी सी कम हो जाएगी, तो टॉर्क भी मेरा क्या हो जाएगा, पहले से थोड़ा सा कम हो जाएगा। इसको थोड़ा सा डॉटेड दिखाते, इसको ऐसे बेंड कर दो, ये ड्यू टू आर्मेचर रिएक्शन है। संदर्भी पॉइंट, तो मैंने आपको बताया अभी इन केस ऑफ डीसी शंट मोटर ये क्वेश्चन बनेगा कि टॉर्क आपकी करंट के साथ कैसे वेरी करती है, कैसे वेरी करती है भाई, लीनियरली। संदर्भ पॉइंट मींस द टॉर्क होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई ए, याद रखना भाई। अदरवाइज अगर बोल भी जाते हो कोई बात नहीं है, आप इक्वेशंस लिखिए, आपको पता है फाई मेरा कांस्टेंट है, करंट सॉरी आई सॉरी के ए भी मेरा क्या है, कांस्टेंट, तो ये लीनियरली वेरी कर जाएगी। क्लियर है ये पॉइंट? अगला फिर कैरेक्टरिस्टिक्स देखिए भाई, टॉर्क वर्सेस स्पीड, स्पीड वर्सेस टॉर्क देखिए। मतलब ये मेरा टॉर्क है, ये मेरा क्या भाई, स्पीड है। ठीक है, ऐसी कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ करने के लिए आपको स्पीड और टॉर्क में क्या चाहिए, रिलेशन। तो वो देखिए भाई कहां से आएगा, आपको पता है के एन फाई इंटू एन, अभी यहां पे लिखा हुआ था ना, उसकी वैल्यू कितनी आई थी, बी टी माइनस आई ए आर ए। आप ऐसा करिए, यहां से आई ए की वैल्यू निकाल लो, आई ए की वैल्यू कितनी आएगी भाई, टॉर्क डिवाइड बाय के ए इंटू फाई। तो बताइए क्या आएगी भाई एन की वैल्यू, दैट इज बी टी माइनस, आई ए की जगह पे वैल्यू रखिए भाई टी डिवाइड बाय के ए फाई इंटू आर ए, और ये के एन फाई मेरा यहाँ से डिवाइड हो जाएगा। तो देखिए जी पूरी इक्वेशन क्या बनेगी, बी टी डिवाइड बाई के एन फाई माइनस टी डिवाइड बाई, हाँ जी, के ए के एन फाई का स्क्वायर इंटू आर ए। क्लियर? अगर मैं नो लोड की बात करूँ, टॉर्क मेरा जीरो हो जाएगा एट नो लोड, क्योंकि करंट मेरा जीरो है, टॉर्क जीरो, तो जे मेरी जो स्पीड होगी ये क्या होगी, नो लोड स्पीड। इसका मतलब अगर मैं करेक्टरिस्टिक्स देखूं तो क्या आएगा भाई, ये मेरे पास हो जाएगा एन नॉट
ठीक है, लेकिन जैसे ही टॉर्क कनेक्ट करूंगा, टॉर्क की वैल्यू इंक्रीज होगी तो स्पीड मेरी क्या होगी भाई, कम होगी। ये भी इंपॉर्टेंट है आपका भाई, इसका मतलब स्पीड मेरी पहले से क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्लियर है जी पॉइंट? तो ये मेरा ग्राफ हो जाएगा भी स्पीड वर्सेस टॉर्क। क्लियर, कुछ नहीं करना, बस जिसकी आपको ग्राफ चाहिए उसका आप इक्वेशन लिख लो उसकी टर्म के साथ, तो आप उसको वेरी करो, इंक्रीज करो उसके साथ, देख लो भी आपकी वेरिएशन कैसी आ रही है। समझ रहे भी पॉइंट? तो अगला लिखिए अभी डीसी सीरीज मोटर। ये शंट मोटर मेरा खत्म होता है, इसका मतलब इसके अंदर जो मेरी स्पीड रहती है वो ऑलमोस्ट क्या रहती है, कॉन्स्टेंट रहती है, और मेरा जो टॉर्क होता है दैट इज वेरी लीनियरली। ठीक है, ये पॉइंट दोनों इंपॉर्टेंट है, और जो एप्लीकेशन वाला पार्ट होगा उसको मैं लास्ट में कवर करूंगा जब हम डीसी जनरेटर की भी करेक्टरिस्टिक्स देख लेंगे, फिर दोनों की जनरेटर और मोटर की जो करेक्टर सॉरी एप्लीकेशन होगी वो मैं एक साथ लिख दूंगा। ठीक है जी, तो लिखिए नेक्स्ट डीसी सीरीज मोटर। तो डीसी सीरीज मोटर में देखते हैं भाई क्या होगा इन केस ऑफ डीसी सीरीज मोटर। तो सबसे पहले सर्किट बनाइए जी डीसी सीरीज मोटर। सबसे पहले मेरा इसका सर्किट डायग्राम आ जाएगा, रेजिस्टेंस हो गया जी, मेरे पास आर्मेचर सर्किट हो गया, और यहाँ पे क्या आ गया भाई डीसी सीरीज मोटर। और ये तो बता दिया था किसमें नंबर ऑफ टर्न ज़्यादा होती है और किसमें कम होती है, सीरीज में कम होती है और थिक्कर वायर होती है भाई। यहाँ पे क्या होता है बी टी, यहाँ से करंट आएगा IL, और यहाँ पे मेरा फील्ड करंट हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा आर्मेचर करंट। बता रखा है जी ये चीज़, बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है। तो इसका मतलब IA इक्वल टू लोड करंट बराबर फील्ड करंट, ये मेरे पास सेम है भाई तीनों के तीनों करंट, और जो मेरी E की वैल्यू है वो किसके इक्वल है भाई BT माइनस IA R प्लस, इसकी मान लीजिए रेजिस्टेंस RSE है, RSE प्लस आर ए, केवीएल अप्लाई करोगे पता चल जाएगा। समझ रहे हैं पॉइंट? अब मुझे ये भी पता है जो ई की वैल्यू होती है वो क्या होती है, के एन इंटू फाई होता है, के एन इंटू सॉरी ई की वैल्यू क्या होती है भाई, के एन फाई इंटू एन दैट इज इक्वल टू बी टी माइनस आई ए आर एस सी प्लस आर ए, यही होता है कि नहीं भाई? तो मुझे चाहिए स्पीड, लेकिन स्पीड से पहले मुझे एक चीज़ बताइए, जो फ्लक्स की वैल्यू है वो कैसे वेरी करेगी। जो फ्लक्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फील्ड करंट होगा, फील्ड और आर्मेचर करंट मेरा क्या भाई सेम है, इसका मतलब फ्लक्स मेरी क्या करेगी इस टाइम करंट के साथ वेरी करेगी, लोड वेरी करेगा, आई ए वेरी करेगा, इसका मतलब जो मेरी फ्लक्स है वो क्या होगी वेरिएबल। लेकिन शंट में जो मेरी फ्लक्स थी वो कैसी थी, कॉन्स्टेंट थी। ठीक है, तो नेक्स्ट सुनिए भाई, इसका मतलब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ फाइ इज इक्वल टू के इंटू आई ए। क्लियर, यहाँ इसे के एस ई लिख लो सीरीज फील्ड का सा। तो इसका मतलब ये हुआ, अगर मैं स्पीड की इक्वेशन निकालूँ क्या आएगा बी टी माइनस आई ए आर एस ई प्लस आर ए डिवाइड बाई क्या कर देंगे भाई के एन इंटू फाई की जगह पे वैल्यू पुट कर दो भाई के एस सी इंटू आई ए। इसको सिंप्लीफाई करिए, एन की वैल्यू क्या आ जाएगी बी टी डिवाइड बाई के एन के एस सी इंटू आई ए माइनस आई ए के साथ आई ए कैंसिल हो जाएगा आर एस सी प्लस आर ए डिवाइड बाय कितना आ जाएगा के एन इंटू के एस सी। क्लियर है जी पॉइंट? ये तो पूरा का पूरा कांस्टेंट है, ये क्या भाई आपकी जो स्पीड है इसका मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या आ गया भाई आई ए आ गया। ठीक है, तो ये भाई रिजल्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे देखो ये तो कांस्टेंट है ना, ये सारा कांस्टेंट है, इसका मतलब एन की जो वैल्यू है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या आ जाएगा बताइए जी आई ए आ जाएगा। ठीक है, अगर मैं एट नो लोड की बात करूँ, एट नो लोड आई ए करंट क्या हो जाएगा भाई जीरो हो जाएगा, तो स्पीड मेरी क्या हो जाएगी भाई वन बाई जीरो क्या हो जाएगा इनफिनाइट। इनफिनाइट का मतलब क्या होता है वेरी डेंजरसली हाई, वेरी डेंजरसली हाई। समझ रहे भी पॉइंट? तो ये पॉइंट आपका भाई वेरी इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज जैसे जैसे लोड मैं इंक्रीज करूंगा करंट को इंक्रीज करना स्टार्ट किया स्पीड मेरा क्या करना स्टार्ट कर देगा कम होना स्टार्ट हो देगा। ठीक है, करंट जीरो है तो स्पीड इनफिनाइट, ऐसे आपकी कर्व बनेगी, जैसे जैसे करंट इंक्रीज करना स्टार्ट किया तो मेरा स्पीड जो होगा वो कम होना स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर है जी पॉइंट? तो आपकी जो करेक्टरिस्टिक्स बनेगी इस टाइम पर एक हाइपरबोला सा बनेगा। क्लियर, तो ये आपने भाई याद रखना है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ आपकी जो डीसी सीरीज मोटर है इसको हम कभी भी रन नहीं करेंगे एट नो लोड, क्योंकि स्पीड वेरी ज़्यादा हाई हो जाएगी, उसकी वजह से मोटर आपकी ब्रेक हो जाएगी, उसके सारे पार्ट बिखर जाएंगे। समझ रहे पॉइंट? तो डीसी सीरीज मोटर नेवर रन ऑन
नो लोड, इसको हम नो लोड पे नहीं रन करेंगे। समझ रहे हैं पॉइंट? तो ये पॉइंट आपके इंपॉर्टेंट है। आगे फिर देखिए अभी टॉर्क, टॉर्क के साथ क्या इसकी वेरिएशन होगी, ये भी मेरी इंपॉर्टेंट है, आगे मुझे इसकी जरूरत पड़ेगी, इसको मैं नहीं रब कर रहा। यहाँ पे देखिए जी टॉर्क के साथ क्या इफेक्ट होगा, तो टॉर्क वर्सेस करंट देखते हैं अभी सेकंड। आपकी टॉर्क इसके बराबर होता है के ए फाई इन टू आई ए, जे मेरा कॉन्स्टेंट है, जे कॉन्स्टेंट नहीं है और जे भी कॉन्स्टेंट नहीं है। जो मेरी फ्लक्स की वैल्यू आई थी इसको उठाइए और वहां पे रखिए, तो क्या आएगा देखिए, टॉर्क इज इक्वल टू के ए इन टू के एस ई इन टू आई ए इन टू आई ए, क्लियर है? तो टॉर्क इज इक्वल टू के ए के एस ई आई ए का स्क्वायर हो जाएगा, मतलब जो मेरा टॉर्क है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा भाई, आई ए का स्क्वायर हो जाएगा, क्लियर? तो डी सी सीरीज मोटर के केस में जो मेरा टॉर्क होता है वो कैसे वेरी करता है भाई, आर्मेचर करंट के स्क्वायर के, क्लियर? आर्मेचर करंट जितना ज्यादा होगा उतनी ही मेरी टॉर्क ज्यादा होगी, इसका मतलब हाई टॉर्क, इसका मतलब टॉर्क सबसे ज्यादा किस में होता है भाई, शंट और सीरीज में, सीरीज में ज्यादा होता है, क्योंकि शंट में आपका टॉर्क कैसे आया था जी, आया था मेरा इन केस ऑफ शंट, क्लियर? लेकिन इसमें टॉर्क आपका भाई ज्यादा होगा। अगर मैं टॉर्क की बात करूं तो टॉर्क के साथ आपका जो करेक्टरिस्टिक्स बनेगा ऐसे बनेगा, ठीक है, स्क्वायर, क्लियर है ये पॉइंट? तो इसको भाई ऐसे बना लीजिए, ये हो जाएगा स्क्वायर। अगर मैं शंट की बात करूं, शंट में कैसा बन रहा था आपके पास, लीनियर बन रहा था आपका रिलेशन, समझ रहे हैं पॉइंट? तो सीरीज के केस में आपका इस टाइप का बनेगा, क्लियर है जी पॉइंट? तो आखिरी देखिए भाई आपकी करेक्टरिस्टिक्स बिटवीन स्पीड वर्सेस टॉर्क। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये स्पीड का फॉर्मूला मेरे पास आया रखा है भाई, इसमें हम आई ए करंट की वैल्यू पुट कर देंगे यहां से, ठीक है? तो बताइए आई ए करंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, फ्रॉम दिस इक्वेशन आई ए की वैल्यू आ जाएगी भाई टॉर्क के ए के एस ई इसका अंडर रूट, समझ रहे भी पॉइंट? तो इसका मतलब आई ए की जगह पे पुट कर देते हैं भाई, तो स्पीड बताइए क्या होगी, एन इज इक्वल टू बी टी डिवाइड बाई, ये जो इक्वेशन आई है ना आपकी ए, इसमें पुट कर दो जल्दी से, बी टी डिवाइड बाई के एन के एस सी आई ए, आई ए की जगह पे लिखेंगे भाई अंडरूट टी, ये जो नीचे वाला पार्ट है ऊपर चला जाएगा, अंडरूट के ए के एस सी माइनस, इसमें तो आई ए है नहीं था, इसका मतलब ये तो कॉन्स्टेंट है एज इट इज रहेगा, आर एस सी प्लस आर ए डिवाइड बाय कितना आ जाएगा के एन के एस सी, ठीक है जी, ये पॉइंट आ जाएगा, इसका मतलब ये भी कॉन्स्टेंट 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 कॉन्स्टेंट, तो जो मेरी स्पीड होगी दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट टॉर्क, क्लियर है जी पॉइंट? तो अंडर रूट टू के साथ जो भी मेरा ग्राफ बनेगा उसको बोलते हैं रिक्टेंगुलर हाइपरबोला, रिक्टेंगुलर हाइपरबोला। ये भी पूछ लेते हैं कि आपका जो ग्राफ बनेगा स्पीड वर्सेस टॉर्क उसका नेचर कैसा होगा, दैट इज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, समझ रहे हैं पॉइंट? तो ये चीजें पता होनी चाहिए। अगर टॉर्क जीरो है स्पीड इन्फिनाइट हो जाएगा, जैसे जैसे टॉर्क मेरा इंक्रीज करेगा तो स्पीड मेरी क्या हो जाएगी, कम होनी स्टार्ट हो जाएगी, इसका मतलब जो ग्राफ होगा भाई आपका कुछ इस टाइप का बनेगा, समझ रहे पॉइंट? दैट इज द ग्राफ बिटवीन स्पीड वर्सेस टॉर्क, क्लियर है जी पॉइंट? तो ये था मेरा भाई डीसी सीरीज मोटर। एक पॉइंट और नोट कर लो, जो डीसी सीरीज मोटर है इसी को हम बोलते हैं डीसी सीरीज मोटर आल्सो नोन एज यूनिवर्सल मोटर, इसी को ही हम यूनिवर्सल मोटर बोल देते हैं भाई। यूनिवर्सल मोटर का मतलब होता है वो वाली मोटर जो एसी और डीसी दोनों पे काम कर सकती है, समझ रहे हैं पॉइंट? इसका स्टार्टिंग टॉर्क क्या होता है, वेरी लार्ज होता है, इसका मतलब इसको वहां पे यूज करेंगे जहां पे मुझे स्टार्टिंग टॉर्क की क्या रिक्वायरमेंट ज्यादा रहती है, ठीक है? और आपकी जो शंट मोटर है उसको मैं वहां पे यूज करूंगा, आपने देखा था उसकी स्पीड क्या रह रही थी, कॉन्स्टेंट रह रही थी, क्लियर? अगर मैं इसकी स्पीड रेगुलेशन की बात करूं, नो लोड पे स्पीड कितनी है, वेरी लार्ज, और फुल लोड पे स्पीड कितनी है, वेरी लो, तो दोनों का जब डिफरेंस हम निकालेंगे स्पीड रेगुलेशन में क्या बताया था भाई, नो लोड स्पीड माइनस फुल लोड डिवाइड बाय फुल लोड, नो लोड है इन्फिनाइट, मान लीजिए अप्रोक्सीमेट 500 है, डिवाइड बाय 500 ये क्या आ जाएगा, वेरी लार्ज आ जाएगा, ठीक है? तो स्पीड रेगुलेशन वेरी लार्ज है, इसका मतलब ये हुआ इसकी जो स्पीड रेगुलेशन है वो क्या पुअर है, जितनी स्पीड रेगुलेशन कम होगी उतना मेरा सिस्टम क्या होगा बढ़िया होगा, उतनी मोटर मेरी बढ़िया होगी। तो स्पीड रेगुलेशन सबसे पुअर किसकी होती है, स्पीड रेगुलेशन इज पुअर, समझ रहे हैं पॉइंट? इसकी जो स्पीड रेगुलेशन है पुअर है, ये भी पूछ लेती है, समझ रहे हैं पॉइंट? तो अगला लिखिए भी कंपाउंड मोटर, तो कंपाउंड भाई देखिए ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, डीसी कंपाउंड मोटर,
तो इसके अंदर भाई दो टाइप की मोटर हम देखेंगे, एक तो होगी आपकी डिफरेंशियल कंपाउंड, एक क्या हो जाएगा आपका, बोलो जी, कमुलेटिव कंपाउंड। समझ रहे भी पॉइंट? तो ये चीज भाई हम आगे देखते हैं, तो देखिए भाई नोट करिए इस चीज को, लिखिए जी डीसी कंपाउंड मोटर और पहला लिखिए कमुलेटिव कंपाउंड, तो डीसी कंपाउंड मोटर। तो पहला हम देखते हैं भाई कमुलेटिव, कमुलेटिव कंपाउंड। मान लीजिए यहां पे देखिए ये मेरे पास आर्मेचर सर्किट है, इसके अंदर दोनों फील्ड होते हैं भाई, शंट फील्ड भी होता है और आपका सीरीज फील्ड भी होता है। समझ रहे हैं पॉइंट? तो ये भाई मेरे पास बीटी हो गया, यहां पे क्या हो गया आई एल होगा, यहां पे क्या होगा आई ए होगा, यहां पे क्या होगा आई शंट होगा। क्लियर है जी पॉइंट? आपको पता है जो आई शंट करंट होता है ये क्या होता है मेरा, स्मॉल ही होता है भाई, वेरी स्मॉल। इसका मतलब जो इस वाइंडिंग में जो सीरीज फील्ड वाली वाइंडिंग है इसमें जो करंट जाएगा वो अप्रोक्सीमेट आर्मेचर करंट ही जाएगा। ये मेरा क्या हो गया, शंट फील्ड हो गया। क्लियर है जी पॉइंट? तो यहां तक आपने देखा, आगे इसके अंदर जो मैंने फॉर्मूलेज आपको बताए थे वो एज इट इज आपने लिख लेने हैं। अगर मैं ई इक्वेशन की बात करूं, ई किसके कहलाएगा, ये प्लस माइनस जो ई है, ये मान लीजिए आर ए है, इसकी वैल्यू क्या आएगी, बी टी माइनस आई ए आर ए प्लस आर एस सी। ठीक है, क्योंकि आई एल को यहाँ पे जो भी मेरा फील्ड करंट है इसको अप्रोक्सीमेट इक्वल टू मैं क्या ले सकता हूँ भाई, आई ए, क्योंकि जो शंट करंट है वो क्या भाई मेरा वेरी स्मॉल है। ठीक है जी, तो बी टी माइनस आई ए आर ए प्लस आर एस सी, ये मेरा फॉर्मूला हो जाएगा। और अगर मैं फ्लक्स की बात करूँ, फ्लक्स मेरी भाई दो फील्ड से आएगी, एक शंट से आएगी, एक इससे आएगी सीरीज से। अगर दोनों की फ्लक्स मेरी सेम डायरेक्शन में है, ये मेरा सीरीज का हो गया फ्लक्स, ये क्या हो गया शंट का फ्लक्स हो गया। अगर सेम डायरेक्शन में है मतलब दोनों फ्लक्स क्या करेंगे, ऐड करेंगे, ऐड करेंगे, उस टाइप की मोटर को क्या बोलेंगे बताओ जी, मैंने बता रखा ऑलरेडी कमुलेटिव कंपाउंड। तो फ्लक्स नेट किसके बराबर होगा भाई, फाई शंट प्लस फाई सीरीज। और मुझे ये भी पता है जो मेरा फाई शंट होता है ये तो मेरा कांस्टेंट होता है, लेकिन जो मेरा फाई एस सी है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई ए, तो इसको मैं लिख सकता हूँ के एस सी इंटू आई ए, ये मेरे पास भाई फ्लक्स का नेचर बन जाएगा। समझ रहे हैं पॉइंट? तो सबसे पहले हम देखते हैं करेक्टरिस्टिक्स बिटवीन स्पीड वर्सेस आई ए, तो निकालिए जी जल्दी इसकी वैल्यू, पुट कर देते हैं भाई क्या, के एन फाई इंटू एन दैट इज बी टी माइनस आई ए आर ए प्लस आर एस सी। ठीक है, तो एन की वैल्यू क्या आ गई भाई, बी टी माइनस आई ए आर ए प्लस आर एस सी डिवाइड बाई के एन फाई इंटू एन, यही बनेगी भाई, जल्दी से बताओ। अब देखिए जैसे जैसे मैं करंट इंक्रीज करूंगा, करंट इंक्रीज किया मेरा स्पीड कम हो गया, अब जैसे ही करंट इंक्रीज होगा ये जो मेरी फ्लक्स है ये भी क्या होगी इंक्रीज, अगर ये फ्लक्स इंक्रीज होगी तो डिक्रीमेंट क्या हो जाएगा और कम हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ अगर मैं नो लोड की बात करूं, मान लीजिए करंट मेरा जीरो है, अगर करंट जीरो हो जाएगा तो जे वाली टर्न भी हट जाएगी, फ्लक्स के अंदर क्या बचेगा फाई एस एच बचेगा, इसका मतलब यहाँ पे फाई एस एच है तो नो लोड स्पीड कितनी आ जाएगी आई ए जीरो, पूरी ऊपर वाली टर्म हट गई, फ्लक्स में से ये जो सीरीज फील्ड है ये हट जाएगा, क्या बचेगा शंट फील्ड, तो बी टी डिवाइड बाई के एन डिवाइड बाई फाई एस एच, यही तो मेरी किस में आई थी भाई, शंट के अंदर आई थी कि नहीं आई थी, क्योंकि सीरीज खत्म हो गया तो क्या बचेगा शंट बचेगा। क्लियर है जी पॉइंट? तो ऐसे हम देख सकते हैं भाई, जिसका नो लोड स्पीड मान लीजिए जी है मेरी नो लोड स्पीड, समझ पा रहे हैं भाई इतनी बात, तो आपको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। नेक्स्ट बताइए भाई, जैसे ही मैं करंट को इंक्रीज करूंगा स्पीड कम हो गई, लेकिन करंट इंक्रीज करने से फ्लक्स भी इंक्रीज हो गया, स्पीड मेरा और डाउन आ गया, इसका मतलब ये हुआ अगर मैं आपको शंट फील्ड का बताऊं, शंट फील्ड का कैसे आया था, यहाँ पे ऊपर से आया था, इसका मतलब इतना तो कम हुआ था मेरा और कम हो जाएगा। क्लियर? मतलब मेरी जो इसकी करेक्टरिस्टिक्स है इसके नीचे आएगी, क्योंकि मेरा जो फ्लक्स है वो दो बार कम हो रहा है। समझ रहे पॉइंट? तो ये मेरी करेक्टरिस्टिक्स आ जाएगी भाई किसकी, कमुलेटिव की, ये है कमुलेटिव और ये किसकी है भाई शंट की है। तो स्पीड रेगुलेशन किसकी बढ़िया है भाई, शंट की या कमुलेटिव की, कमुलेटिव में जो स्पीड है वो ज़्यादा कम हो रही है, शंट में कम हो रही है, इसका मतलब जो मेरा स्पीड रेगुलेशन है वो शंट का मेरा ज़्यादा है, स्पीड रेगुलेशन
शंट का ज्यादा है देन किससे भाई बताओ जी, कम्युलेटिव से। कम्युलेटिव से इसका मतलब जो मेरी शंट की है उसकी स्पीड रेगुलेशन बेटर है देन कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर से। क्लियर है जी पॉइंट? तो ये मेरा कैरेक्टरिस्टिक्स हो जाएगा स्पीड वर्सेस करंट। आगे देखते हैं टॉर्क वर्सेस करंट क्या होगा। क्लियर? तो मुझे एक चीज बताइए, जो टॉर्क होता है दैट इज इक्वल टू के ए फाई इंटू आई ए। तो टॉर्क के साथ में अगर मैं रिलेशन निकालूं, के ए फाई की वैल्यू क्या आ गई, फाई एस एच प्लस के एस सी इंटू आई ए इंटू क्या हो गया भाई आई ए। तो टॉर्क इसके बराबर आ गया के ए फाई एस एच मल्टीप्लाई करिए आई ए प्लस के ए के एस सी आई ए का स्क्वायर। ये मेरे पास भाई टॉर्क आ गया, ठीक है। इसका मतलब टॉर्क के अंदर क्या क्या चीज आ रही है भाई, एक तो शंट मोटर की टॉर्क है जी, शंट मोटर टॉर्क प्लस ये क्या भाई सीरीज मोटर। इसका मतलब भाई स्टार्टिंग टॉर्क इसकी ज्यादा होगी भाई, आपके पास शंट की थी ये क्या सीरीज की है तो कम्युलेटिव में दोनों का ऐड होकर आ रहा है। इसका मतलब स्टार्टिंग टॉर्क सबसे ज्यादा किसकी होगी, कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर की। इसके बाद किसकी होगी, सीरीज की होगी। समझ रहे हैं पॉइंट? इसका मतलब ये हुआ अगर मैं शंट फील्ड को दिखाऊं, शंट फील्ड की जो मेरी टॉर्क थी वो कहाँ पे आई थी, स्ट्रेट लाइन बना था ऐसे, फिर आपका सीरीज फील्ड ऐसे बना था, और इसमें क्या हो जाएगा दिस प्लस दिस दोनों को जब हम ऐड करेंगे इसका जो रिलेशन बनेगा ऊपर को आ जाएगा, ठीक है। ये मेरा शंट का था भाई, ये मेरा सीरीज का है, और ये किसका हो जाएगा भाई कम्युलेटिव का, कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर। समझ रहे भी पॉइंट? तो ऐसे ऐसे भाई आपको पता होना चाहिए सारी चीजों के बारे में। तो नेक्स्ट देखते हैं फिर स्पीड वर्सेस टॉर्क का ग्राफ। उसके लिए मुझे क्या होना चाहिए पता भाई, टॉर्क और स्पीड में रिलेशन पता होना चाहिए। जी मेरे पास स्पीड का रिलेशन है, यहाँ पे एन नहीं आएगा, एन तो मेरा इधर ही रह गया था ना। हाँ तो बताइए भाई करंट यहाँ से मैं कैसे निकालूं। आप ऐसा करिए, यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ, या फिर आप यहाँ से इस आई करंट की वैल्यू निकाल लो, ठीक है। आई करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, आई इज इक्वल टू टॉर्क डिवाइड बाई के ए फाई। फाई की वैल्यू मैं बाद में पुट कर लूंगा, इस आई ए करंट की वैल्यू यहाँ पे रख दो भाई। तो देखिए क्या आ रहा है, ठीक है, देखिए भाई क्या आ रहा है। तो चेक करिए भाई क्या चीज आ रही है आपके पास। तो ये आएगा भाई एन दैट इज इक्वल टू बी टी माइनस आई ए आर ए प्लस आर एस सी डिवाइड बाई के एन फाई। के एन फाई ये थी ना भाई। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे आई ए करंट की वैल्यू पुट कर देंगे, क्या आ गया भाई बी टी माइनस, हाँ जी, टॉर्क डिवाइड बाई के ए फाई आर ए प्लस आर एस सी डिवाइड बाई क्या आ जाएगा के एन फाई। क्लियर? तो एन की वैल्यू क्या आ गई भाई, बी टी डिवाइड बाई के एन फाई माइनस टॉर्क डिवाइड बाई के ए के एन फाई का स्क्वायर इंटू आर ए प्लस आर एस सी। क्लियर है जी पॉइंट? तो अगर जैसे ही मैं टॉर्क इंक्रीज करूंगा, टॉर्क इंक्रीज कैसे होगा, करंट को इंक्रीज करना पड़ेगा, तो स्पीड मेरी क्या होगी कम होगी। लेकिन जैसे ही करंट आप इंक्रीज करोगे, मेरा जो फाई एस सी है जे इंक्रीज करेगा, मतलब जो टोटल फ्लक्स फाई है मेरा जे इंक्रीज कर देगा। क्लियर? अगर जे इंक्रीज कर गया राजे तो इसका मतलब जे भी इंक्रीज करेगा और जे भी क्या करेगा इंक्रीज करेगा। सबसे डोमिनेट इफेक्ट किसका होगा ये देखना आपने, ठीक है, फाई का होगा या फाई स्क्वायर का होगा। तो इंक्रीमेंट इसमें ज्यादा होगा या इसमें ज्यादा होगा, मान लीजिए मैंने जो मेरी करंट है उसको दो टाइम इंक्रीज कर दिया, तो इसमें डिक्रीमेंट दो का होगा, फाइव स्क्वायर में चार का होगा। इसका मतलब अगर मैं ध्यान से देखूं इस पूरे फैक्टर को ये क्या हो जाएगा, नीचे वाली टर्म इंक्रीज होगी, इंक्रीज होने का मतलब पूरा का पूरा टर्म क्या हो जाएगा कम हो जाएगा, और माइनस में कम हो रहा है तो पहले से स्पीड क्या हो जाएगा इंक्रीज हो जाएगा। समझ रहे पॉइंट? इसका मतलब ये हुआ राजे, अगर मैं नो लोड की बात करूं तो नो लोड के ऊपर स्पीड मेरा कितना होगा, एन नॉट होगा, ठीक है। और जैसे ही टॉर्क इंक्रीज होगा, टॉर्क इंक्रीज करने से स्पीड मेरा कम हुआ, लेकिन फ्लक्स भी साथ में मेरा इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब स्पीड मेरा ये वाला जो फैक्टर है ये ज़्यादा डोमिनेट है। ये जैसे ही कम होगा पूरा फैक्टर क्या हो जाएगा रिड्यूस हो जाएगा, तो मेरा जो ऊपर को मेरी कर्व थोड़ी सी शिफ्ट हो जाएगी। क्लियर? इसका मतलब फाइनली जो मेरा रिजल्ट आएगा जी आ जाएगा, ठीक है। तो फाइनली जो मेरी कर्व है भाई, मेरी जे वाली कर्व आपकी बन जाएगी। क्लियर? तो दैट इज द ग्राफ बिटवीन स्पीड वर्सेस टॉर्क। क्लियर है जी पॉइंट? तो ये था भाई मेरे पास कम्युलेटिव कंपाउंड, और हम देखते हैं डिफरेंशियल कंपाउंड। डिफरेंशियल कंपाउंड में कुछ नहीं है, आपकी एक ही फ्लक्स इस डायरेक्शन में होगी और दूसरी फ्लक्स मेरी क्या हो जाएगी
मान लो इसकी डायरेक्शन मैं चेंज कर देता हूँ, ठीक है, एक इधर को जा रही है, एक मेरी इधर को आ रही है, ठीक है, इसका मतलब फाइव एस सी की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, चेंज, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, क्लियर। इसके साथ देखिए भाई क्या मेरे पास चेंजेस आने वाली है, वो देख लेते हैं इन केस ऑफ डिफरेंशियल कंपाउंड, क्लियर है ये पॉइंट। तो जहाँ तक तो करेक्ट है भाई, तो चलो मैं इसी के ऊपर बना दूंगा भाई जो मेरे पास बनी हुई है, तो देख लो भाई चेंजेस कहाँ पे आएगा, वो चीज़ मैं आपको भाई बता देता हूँ। चलिए फिर से लिख लेते हैं इसको, तो मेरी फ्लक्स फाई बताओ, फाई नेट क्या हो जाएगा इस केस में, फाई नेट मेरा हो जाएगा फाई इज इक्वल टू फाई शंट माइनस फाई एस सी, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं फाई शंट माइनस के एस सी इंटू आई ए, क्लियर, ये मेरा फाई हो जाएगा, क्लियर। नीचे लिखिए फाई इज इक्वल टू फाई एस एच माइनस के एस सी इंटू आई ए, तो मेरे पास ई की वैल्यू तो पता है, इसकी वैल्यू पुट कर देंगे के एन इंटू फाई इंटू एन, दैट इज बी टी माइनस आई ए आर ए प्लस आर एस सी, तो इसका मतलब एन की वैल्यू क्या आ जाएगी राजे, बी टी माइनस आई ए आर ए प्लस आर एस सी डिवाइड बाई के एन इंटू फाई, क्लियर है जी पॉइंट। अब देखिए जैसे ही मैं करंट को इंक्रीज करूंगा, करंट इंक्रीज करने से स्पीड मेरा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, लेकिन जैसे ही मैं करंट इंक्रीज करूंगा, ये करंट इंक्रीज हुआ माइनस है तो फ्लक्स मेरा क्या हो जाएगा राजे, कम हो जाएगा, अगर फ्लक्स कम हो गया तो स्पीड क्या हो जाएगी भाई, इंक्रीज हो जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कम्युलेटिव में क्या हो रहा था, स्पीड मेरी और कम कर रही थी इसका मतलब, लेकिन इसमें क्या हो रहा है डिफरेंशियल में फ्लक्स कम हुआ, स्पीड मेरा क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। इसका मतलब ये हुआ ये जो मेरा डिफरेंशियल है, अगर मैं इसको नो लोड की बात करूँ, ध्यान से सुनना, यहाँ से देखिए अगर मैं यहाँ पे बना दूँ इसको, अगर नो लोड की बात करूँ तो सिर्फ और सिर्फ शंट वाली फ्लक्स बचेगी, मतलब नो लोड स्पीड कितनी आ जाएगी भाई, पी टी डिवाइड बाई के एन फाई एस एच, यही बनेगा ये वाला पॉइंट। ऐसा ही मेरा किस में बना था, शंट में बना था, ऐसे ही मेरा कंपाउंड कम्युलेटिव कंपाउंड में मिला था, और ऐसा ही मेरा किस में बन गया भाई, डिफरेंशियल कंपाउंड में, क्लियर है जी पॉइंट। अब नेक्स्ट देखिए, जैसे ही मैं करंट को इंक्रीज करूंगा, मतलब ये वाला जो मेरा फ्लक्स है ये पहले से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्लियर। अगर ये पहले से कम हो गया तो इसका मतलब फ्लक्स जैसे ही कम होगा स्पीड मेरी पहले से क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, क्लियर। अगर मैं शंट की बात करूं, शंट के केस में क्या रिलेशन आया था, एन इज इक्वल टू बी टी माइनस आई ए आर ए डिवाइड बाय के एन इंटू फाई, यही चेंज आया था भाई मेरा, तो उसमें मैंने बताया था आपको जैसे ही करंट आप इंक्रीज करोगे स्पीड मेरी कम होगी, क्लियर। लेकिन इसमें क्या हो रहा है, साथ के साथ आपका जैसे ही ये कम हुआ, साथ के साथ स्पीड भी मेरा क्या कर गया भाई, इंक्रीज कर गया। इसका मतलब ये हुआ जो मेरी इसकी करेक्टरिस्टिक्स आएगी ये सबसे ऊपर आएगी, समझ रहे हैं पॉइंट, जो डिफरेंशियल कंपाउंड है ये मेरा भाई कहाँ आएगा, सबसे ऊपर आएगा, समझ रहे हैं पॉइंट। तो ये पॉइंट भाई आपको पता होना चाहिए कि शंट का कहाँ पे आएगा, कम्युलेटिव का कहाँ पे आएगा और डिफरेंशियल का कहाँ पे आएगा, क्लियर है जी पॉइंट। तो नेक्स्ट देखिए, कहता हूँ कि जो स्पीड रेगुलेशन होती है, स्पीड रेगुलेशन अगर मैं ऑर्डर में लिखूँ, बेटर किसकी होती है, सबसे बेटर, देखो शंट का ऊपर था ना, सॉरी शंट का ये है, ये शंट का भाई, ये है शंट का, और इसके ऊपर कौन चला गया भाई, डिफरेंशियल, डिफरेंशियल, ठीक है। इसका मतलब स्पीड रेगुलेशन मेरी सबसे कम स्पीड में अंतर किस में आ रहा है, डिफरेंशियल में आ रहा है, उससे शंट में आ रहा है, इससे कम कम्युलेटिव, इससे ज़्यादा किस में आ रहा है, कम्युलेटिव। इसका मतलब जो स्पीड रेगुलेशन का ऑर्डर होगा, सबसे बढ़िया जो मेरी स्पीड रेगुलेशन होगी वो डिफरेंशियल में होगी, देन किस में होगी बताइए जी, इसके बाद किस में होगी बताओ जी, ऑर्डर मैं कैसे लिखूँ, इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग, एक मिनट में लिख लेता हूँ, शंट, देन फिर क्या आएगा, कम्युलेटिव आएगा, कम्युलेटिव, इसके बाद क्या आएगा, सीरीज आएगा, क्योंकि सीरीज का तो बहुत ही पुअर होता है, ठीक है। स्पीड रेगुलेशन सबसे ज़्यादा डिफरेंशियल का, फिर उससे कम शंट का, फिर उससे कम कम्युलेटिव का, फिर उससे कम सीरीज का, सबसे बढ़िया वोल्टेज रेगुलेशन किसका होता है भाई, डिफरेंशियल आपकी मोटर का, ठीक है, फिर शंट का आता है, फिर कम्युलेटिव का, फिर किसका आता है भाई, सीरीज का, ठीक है। तो ये भी आपको भाई पता होना चाहिए, स्पीड ऑफ रेगुलेशन किसकी बेटर होती है, डिफरेंशियल की, ठीक है, फिर शंट की बेटर होती है, उससे कम्युलेटिव की, फिर सीरीज की डिफरेंस सॉरी बढ़िया होती है वोल्टेज सॉरी स्पीड रेगुलेशन, समझ रहे हैं पॉइंट। तो इस पॉइंट को भाई आपने रिमेंबर रख लेना है, क्लियर है जी पॉइंट। जितनी स्पीड मेरी स्पीड में वेरिएशन कम होगी उतना ही मेरा स्पीड रेगुलेशन क्या होगा, बढ़िया होगा, क्लियर है जी पॉइंट। तो सुनिए अभी नेक्स्ट पॉइंट आपका टॉर्क वर्सेस आई ए, इसको भी देख लेते हैं भाई क्या इसके अंदर आएगा टॉर्क वर्सेस स्पीड के केस में। तो बताइए जी जल्दी टॉर्क वर्सेस स्पीड कैसे निकालेंगे, तो टॉर्क क्या होता है,
के ए फाई इन टू आई ए, तो फाई की वैल्यू पुट करो तो ये आ जाएगा, फाई की वैल्यू ये है प्लस, बस कुछ नहीं है यहाँ पे, माइनस आ जाएगा के ए इन टू फाई एस एच इन टू आई ए माइनस के ए के एस सी इन टू फाई, सॉरी फाई की वैल्यू पुट कर देते हैं के एस सी इन टू आई ए, एक आई ए मेरा पहले पड़ा है, ठीक है। इसका मतलब ये क्या हुआ भाई, ये है शंट की, ये क्या भाई सीरीज की, ठीक है, और दोनों क्या हो रहे हैं माइनस हो रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब शंट की मेरे पास ये है, सीरीज की ये है, तो अगर डिफरेंशियल की बात करूँ, डिफरेंशियल की जो टॉर्क होगी वो मेरी सबसे पुअर होगी, क्लियर। ये मेरे किसके हो जाएगा भाई, डिफरेंशियल कंपाउंड का, समझ रहे हैं पॉइंट, सबसे ज़्यादा कंपाउंड का, फिर सीरीज का, फिर शंट का, फिर किस में आ जाएगा, डिफरेंशियल कंपाउंड में आ जाएगा, समझ पा रहे हैं भाई इतनी बात। तो ये पॉइंट भाई आपके इंपॉर्टेंट है, तो आपको पता होने चाहिए, समझ रहे हैं पॉइंट। तो नेक्स्ट सुनिए भाई, नेक्स्ट बात, इसका मतलब ये हुआ, अगर मैं एट लाइट लोड की बात करूँ, एट लाइट लोड, लाइट लोड मतलब आई ए वेरी स्मॉल होगा, और वेरी स्मॉल का स्क्वायर क्या हो जाएगा, वेरी स्मॉल, इसका मतलब जो मेरी करेक्टरिस्टिक्स होगी दैट इज सिमिलर टू, बताइए जी, दैट इज सिमिलर टू शंट, कब, एट लाइट लोड, लाइट लोड, लाइट लोड पे जो मेरी डिफरेंशियल कंपाउंड होती है उसका जो करेक्टरिस्टिक्स होगा दैट इज सिमिलर टू शंट मशीन, ठीक है, शंट मोटर, क्लियर। जब मेरा हैवी लोड आएगा, मतलब इसको मैं पॉजिटिव बोल दूं, क्लियर, एट हैवी लोड, हैवी लोड के ऊपर क्या हो जाएगा, आई ए ज्यादा हो जाएगा, तो यहाँ पे स्क्वायर है, ज्यादा का स्क्वायर बहुत ज्यादा हो जाएगा, इसका मतलब यहाँ पे इसका इफेक्ट ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर वाली टर्म है, इसका इफेक्ट कम है, इसका मतलब टॉर्क की वैल्यू क्या आ जाएगी, नेगेटिव। इसका मतलब ये हुआ रहा जी, अगर इस टाइप की मोटर मैं यूज करूंगा लाइट लोड पे, वो मान लीजिए इस डायरेक्शन में रोटेट कर रही है, जैसे ही लोड मेरा इंक्रीज किया उसके साथ वो मेरी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, दैट इज द मीनिंग ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव टॉर्क। अगर मैं ऐसी मोटर आपकी ट्रेन में लगा दूं, तो ट्रेन में लगा दूंगे तो क्या होगा, आपके भाई पैसेंजर या तो गाड़ी के ऊपर चढ़ेंगे या नीचे आ जाएंगे, अगर ऊपर चढ़ेंगे तो लोड इंक्रीज होगा, अगर नीचे उतरेंगे तो लोड आपका कम होगा, क्लियर। तो ट्रेन के अंदर अगर ऐसी मोटर आपने यूज़ कर ली, तो पैसेंजर स्टेशन पे उतरेंगे चढ़ेंगे तो उसके साथ क्या होगा, आपका लोड फ्लक्चुएट करेगा, उसकी वजह से आपकी जो मोटर है वो स्पीड चेंज करेगी, क्लियर, या तो आगे को जाएगी या फिर पीछे को जाएगी, समझ रहे पॉइंट, दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस, क्लियर है जी पॉइंट। तो लास्ट देखिए भाई, स्पीड वर्सेस टॉर्क का जो मेरे पास इक्वेशन बना है, इक्वेशन निकालूंगा, उससे जो मेरी करेक्टरिस्टिक्स आएगी वो देखते हैं कैसी आएगी, क्लियर है जी पॉइंट। तो लिखिए नेक्स्ट, लास्ट आपका जो पॉइंट है इसमें, तो सबसे पहले स्पीड तो है, आईए की वैल्यू आप यहां से पुट कर दो भाई टॉर्क की फॉर्म में, तो स्पीड देखिए क्या आएगा, दैट इज बी टी माइनस आई ए, नेक्स्ट क्या भाई आर ए प्लस आर एस सी डिवाइड बाई कितना है के एन फाई, क्लियर। तो स्पीड देखिए क्या आएगा, बी टी डिवाइड बाई के एन फाई माइनस आई ए की वैल्यू पुट करो जी, दैट इज टॉर्क डिवाइड बाई के ए फाई इन टू आर ए प्लस आर एस सी, ठीक है। तो देखिए जैसे ही टॉर्क इंक्रीज करेगा स्पीड मेरा क्या हो जाएगा, बोलो जी कम हो जाएगा, मैंने कहीं पे कोई गड़बड़ तो नहीं की है ना, करेक्ट लिखा ना यहाँ तक, हाँ जी बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। लेकिन जैसे ही मैंने टॉर्क इंक्रीज किया, मतलब आई ए इंक्रीज किया, टॉर्क बढ़ा, उसकी वजह से स्पीड कम हो गया, जैसे ही मैंने करंट इंक्रीज किया टॉर्क मेरा इंक्रीज हुआ, लेकिन उसकी वजह से फ्लक्स क्या हो गया, कम हो गया, फ्लक्स मेरा पहले से क्या हो जाएगा भाई, कम हो जाएगा, इसका मतलब स्पीड मेरी पहले से क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। इसका मतलब इसकी जो करेक्टरिस्टिक्स मैं ड्रॉ करूँगा वो अप्रोक्सीमेट यहाँ पे आ जाएंगी, समझ रहे भी पॉइंट। तो इस टाइप के भाई आपको क्वेश्चन पता होने चाहिए कि आपने किस टाइप से इनको सॉल्व करना है, ठीक है। जो आपकी मेन आपकी इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स होती है, दैट इज़ द करेक्टरिस्टिक्स बिटवीन स्पीड वर्सेज करंट एंड देन टॉर्क वर्सेज करंट, क्लियर जी पॉइंट। तो इस लेक्चर में बस यही था, आपको पता होना चाहिए क्या क्या टॉर्क का रिलेशन होता है और कैसे कैसे टॉर्क की वेरिएशन होती है आपकी डिफरेंट टाइप ऑफ द मोटर में, क्लियर। तो इस लेक्चर में बस इतना ही था, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू।